लास्ट एपिसोड में निमृत को जो है कैप्टेंसी से हटा दिया गया और उसके बाद से रखा गया कैप्टेंसी टास्क, और वो जो टास्क था वो शिव और गौतम के बीच में था, लेकिन अब उनके ऊपर में डालना था वजन, और उसी वजन को डालने के गर्मा गर्मी में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से पूरे बिग बॉस के घर में हो गया है बवाल। अब जो कुछ भी हुआ है उसकी रियलिटी क्या है और मेरी ओपिनियन में वो सारी चीजें क्या है उसी बारे में बात करूंगा। मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, रोज का आधा किलो चिकन खाने वाला इंसान, उसके अंदर में इतनी कमजोरी कहां से आ गई। देखो, इस झगड़े के अंदर में दो फेक इंसान सामने आए हैं, मेरे नजर में ये दोनों के दोनों फेक है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा साजिद खान के बारे में। साजिद खान शुरू से जो इतना स्वीट एंड डिसेंट बने हुए थे, उन्होंने फाइनली अपना असली रूप दिखाने का सोचा, और उसके बाद से जो है कुछ तो ऐसा हुआ जो वो पूरे तरह से संभल गए। मतलब उन्होंने माइक उतार दिया, और उतारने के बाद में जो उन्होंने अपने एक रॉब दिखाया, दिखाऊं क्या तुझे, बताऊं क्या तुझे, जिस तरह से वो चढ़ करके आ रहे थे और पूरी भीड़ उनको रोक करके रखी हुई थी। वहीं दूसरे तरफ में शालीन भैया, जो कि भाई कृष्ण बन के घूमते रहते हैं, हर वक्त आजू बाजू दो गोपियां होती है जिनमें से एक दिल दे चुकी है और एक जो है दिल देने से पहले क्लेरिफिकेशन चाहती है। इस टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस झगड़े के बारे में। इस झगड़े में बताया जा रहा है कि शालीन ने अर्चना को एकदम रफली हाथ से मारा है जब वो ब्रीफकेस लेकर के जा रहा था, जबकि मैं खुद इतना घुस करके देख रहा था, मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। और देखो, इसके पीछे का मेन फैक्ट बता देता हूं, अगर सच्ची में ऐसा हुआ होता तो वो फैसला खुद बिग बॉस लेते, जो कि शो के एंड में उन्होंने कह भी दिया। उनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसी चीज का फायदा उठा करके लोगों के बीच में फूट डाला जा सकता है, उसके बाद से बनेगी अलग अलग ग्रुप, जो कि पहले ही बन चुकी थी। जैसे ही टास्क चल रहा था उसी वक्त में तीन अलग ग्रुप बन चुकी थी, एक जो शिव को सपोर्ट करती है, दूसरा जो गौतम को, और तीसरा जो कि शालीन के खिलाफ हो गई। अब ये चीज देख करके मैं भी सोच रहा था कि कब उसने हाथ लगाया। अर्चना ने बस इशू बनाया, और उसी इशू को जो है डुबकी मारने के लिए आ गए साजिद खान साहब, क्योंकि उससे पहले साजिद खान अब्दू के साथ में कॉर्नर में बैठ करके चुपचाप शांति से देख रहे थे, किसी भी चीज में हिस्सा नहीं ले रहे थे, ना ही टास्क के बीच में कोई अग्रेशन था, ना कुछ था, चुपचाप देख रहे थे बैठ करके। लेकिन अचानक से बोलते हैं कि मैं तो अपना बैग पैक करके जा रहा हूँ, उसके बाद से धीरे धीरे पूरी भीड़ जो है तूल पकड़ने लग गई। अब गौतम जो है वो सबसे टॉप पे खड़ा था, शिव भी खड़ा था, चलो मानते हैं कि उन लोगों के ऊपर में प्रेशर था अपने सर पे रखे हुए वजन को लेकर के, जिसके वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से लोगों से बात करने के बाद पता चला कि भाई शालीन ने धक्का मारा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर गौतम के सुनाए गए फैसले के ऊपर में बिग बॉस ने कह दिया कि जब तक वो घर में है तब तक शालीन जो है कभी भी कैप्टन नहीं बन सकता, और आने वाले दो हफ्ते के लिए उसको सीधे तरीके से एलिमिनेशन पे डाल दिया गया है कि भाई एलिमिनेट होते रहोगे। उसके बात से जो कॉमेडी शुरू हुई है, मेरे लिए सच्ची में एक कॉमेडी है कि तुम एक हत्ते कट्टे इंसान हो, जिम कर कर के बॉडी को यूं पंप अप किया है ना बॉस, कि साला अच्छा खासा इंसान जो है ना तुम्हारे से डर के भाग जाए, तुम कह रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, घुस गया वो अंदर कंबल के अंदर, वो एक सबसे बड़ा फेक चीज था। उसके बाद से साजिद खान का जो अपना एक तकरार था कि भाई एक हफ्ते से मैं दिख नहीं रहा हूं, बहुत साइलेंट सा हूं, कुछ तो कंटेंट देना पड़ेगा, तो भाई साहब ने सीधा माइक उतार करके कह दिया जब तक बिग बॉस मुझे नहीं बुलाते मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, माइक भी नहीं पहनने वाला हूं। अमेजिंग है। इधर शालीन भैया पूरे घर पे जो है घूम घूम करके सिगरेट फूके जा रहे थे, और उसके बाद से माइक भी उतार करके फेंक दिया था। मतलब गौतम की कैप्टनसी की शुरुआत ही एकदम दमदार और फाड़ तरीके से हुई है, फुल बवाल के साथ, फुल कंट्रोवर्सी के साथ में, जिसके पीछे में कुछ भी नहीं था। एंड ऑफ द टाइम पांचों जन ने कहा कि उसके साथ में गलत हुआ है, शालीन के साथ में गलत हुआ है, क्योंकि अब वो कभी भी कैप्टन नहीं बन सकता, ये बहुत बुरा हुआ है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताओ। आपने क्या देखा है कि उसने अर्चना को जो है ऐसा धक्का मारा था, और उसके साथ में जो भी चीज हुआ, देखो वो बंदा मुझे पूरे तरह से फेक नजर आया उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन में उसने जो किया उसके हिसाब से, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो मैं मानता हूं कि पूरे तरह से गलत हुआ है। साजिद खान ने अपना जो है अग्रेशन कहीं का कहीं और निकाला है, उन्होंने कुछ प्लान किया था कि इसको तगड़ा सा सबक सिखाएंगे, लेकिन वो पड़ गई उल्टी उन्हीं पे, अभी खुद ही वो गिल्टी के ट्रिप में निकल चुके हैं, और उसके बाद उनको नहीं समझ में आया कि वो क्या करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे बताओ। इसी एपिसोड में और भी बहुत सारे कांड हुए जो कि मैंने अपनी बारीक नजरों से देखा है, नोटिस किया है, उस बारे में भी बात करूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।